बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ह्यूमन राइट्स पर बोलने वाले अफराद को भी अब जो है वो उठाया जा रहा है, और सफ़ेद विगुडाला जो है वो फेमस जो लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जबरान नासिर, उनको उनकी बीवी के सामने उठाकर ले गए। और उनकी बीवी जो हैं, उन्होंने रोते हुए नम आंखों के साथ अपना बयान भी सोशल मीडिया पे जारी किया है, दुआओं की अपील की है लोगों से। तो आखिर ये मामला है क्या सफ़ेद विगो डाले का? तो नाज़रीन, ये इंसानी हकूक़ पे बात करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं जबरान नासिर, इंटरनेशनल लेवल पे इनकी जो आवाज़ है वो सुनी जाती है, उनको भी नामालूम अफराद जो है वो रात गए उठाकर ले गए जब वो अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में मौजूद थे। और जबरान नासिर की हम बात करें तो पाकिस्तान के ये एक लीगल माइंड है, इंसानी हकूक़ पर बहुत ही खुलकर बात करते हैं, बहुत दबंग और बहुत ही दिलेर किस्म के इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं और लीगली माइंड सेट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपना वर्जन जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाते हैं। जबरान नासिर को रात गए तक जो है उनकी वाइफ इधर उधर तलाश करती रहीं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं। फिर उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि नामालूम अफराद जो हैं वो उनकी गाड़ी के सामने आए और गन पॉइंट पर, तो जी ये नामालूम अफराद जो हैं ये गाड़ी के सामने आए और जल्दी से उन्होंने, उनकी वाइफ का कहना है मंशा पाशा का, कि जबरान नासिर को गाड़ी से गन पॉइंट पे उतारा, उनके पास जदीद असला था और सब ही मसल्ला अफराद थे, और उन्होंने जबरान नासिर को विगुडाला में डाला और उसके बाद जो है वो साथ ले गए। मंशा पाशा बहुत परेशान है और शॉक्ड हैं इस तमाम मामले के हवाले से। उनका जो है जो स्टेटमेंट जारी आई है, दुआओं की अपील कर रही हैं। जदीद वेपन्स जो हैं वो इन नामालूम अफराद के पास मौजूद थे, ये कहना है मंशा पाशा का। जबरान नासिर को ज़बरदस्ती उन्होंने पकड़ा और गाड़ी में धकेल के डाला। जबरान नासिर जो हैं वो अगर उनकी मैं बात करूँ तो वो कोई सियासतदान नहीं है, ना ही उनका किसी पोलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है और ना ही उन्होंने आज तक किसी सियासी जमात को लेकर कोई नारेबाजी वगैरह की है, कोई ऐसा मामला नहीं किया। इंसानी हकूक़ पे बात करते हैं और कौन उनको लेकर गया ये नहीं पता। मंशा पाशा जो उनकी वाइफ हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका ये कहना है कि जबरान नासिर को कभी भी कहीं से कोई थ्रेटिंग कॉल नहीं मिली, ना उन्हें कभी थ्रेट किया गया है। ऑल ऑफ सडन जो है ये तमाम मामला हुआ है। अभी फर्दर जो है इस पे कोई भी पेशरफ सामने नहीं आई कि, बल्कि जो नंबर प्लेट थी जो उस गाड़ी को विगुडाला को लगी हुई थी, अब उसके बारे में भी पता चला है कि वो नेम प्लेट जो है वो भी कोई जाली फेक यानी कि लगाई हुई थी। देखते हैं कि जबरान नासिर का कब पता चलता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें।